Hyundai Venue का facelift इंडिया में कई बार टेस्ट करते हुए इंस्पायर हुआ है एंड एज पर फ्यू रिपोर्ट्स Hyundai Venue का facelift नेक्स्ट मंथ यानी कि मई मंथ में लॉन्च हो सकता है। तो इस वीडियो में हम अपकमिंग Hyundai Venue के बारे में ऐसी सात चीजें बताएंगे जो कन्फर्म्ड हैं। फर्स्ट, न्यू एक्सटीरियर डिजाइन। न्यू Venue की डिजाइन न्यू जनरेशन Hyundai Tucson से हाईली इंस्पायर्ड होने वाली है। जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो न्यू Venue की डिजाइन उससे सिमिलर मिल सकती है, जिसमें आपको न्यू टाइप की LED DRL, फ्रंट बम्पर, न्यू एलॉय व्हील्स एंड न्यू LED टेल लाइट्स मिलेंगे। एंड एज पर माई पर्सनल ओपिनियन ये न्यू डिजाइन अभी वाली Venue से ज्यादा बेटर लगती है। सेकेंड, बेटर सेफ्टी। जैसे रिसेंटली किया सोनेट एंड सेल्टोस में 4 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड रखे गए हैं, वैसे ही न्यू Hyundai Venue में भी अब बेस वेरिएंट से ही 4 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड आएंगे एंड टॉप वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स आएंगे। उसके सिवा न्यू Venue में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी स्टैंडर्ड मिलेंगे। सो ओवरऑल न्यू Venue अभी मिल रही Venue से ज्यादा सेफ होने वाली है। थर्ड, न्यू इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अभी तक न्यू Venue का इंटीरियर तो इंस्पायर नहीं हुआ, बट एज पर फ्यू रिपोर्ट्स Venue में अब हायर वेरिएंट्स में 10 इंच की न्यू इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी। अब तक Venue में टॉप वेरिएंट्स में ही ओनली 8 इंच की स्क्रीन मिलती थी, जहां पे Hyundai की दूसरी कार्स जैसे कि i20 एंड Creta में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, वैसे ही अब न्यू Venue में भी हायर वाले वेरिएंट्स में 10 इंच की स्क्रीन मिलेगी। फोर्थ, एंड लाइन वेरिएंट। जैसे i20 का स्पोर्टी वर्जन एंड लाइन मिलता है, वैसे ही अब Venue में भी एंड लाइन वर्जन ऑफर किया जाएगा। एंड Hyundai Venue N Line कई बार इंडियन रोड्स पे इंस्पायर भी हुई है। Hyundai Venue N Line में थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। न्यू ड्यूअल एग्जॉस्ट मिलेगा, सस्पेंशन सेटअप भी डिफरेंटली ट्यून्ड होगा एंड इंजन भी थोड़ा डिफरेंटली ट्यून्ड मिलेगा। सो N Line एंथुसियास्ट ओरिएंटेड वर्जन होने वाला है, जैसा हमने i20 में देखा था। फिफ्थ, नो चेंजेस इन इंजन। Hyundai Venue में इंजन में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपको वही सेम 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। बट हाँ, मे भी अब IMT ट्रांसमिशन ज्यादा वेरिएंट्स में ऑफर किया जाएगा, जैसा हमने रिसेंटली किया सोनेट में भी देखा था। सिक्स्थ, न्यू इंटीरियर लेआउट एंड कलर्स। न्यू Venue में इंटीरियर में न्यू स्क्रीन के सिवा डैशबोर्ड का कलर्स एंड अपहोल्स्टरी कलर्स भी चेंज किए जाएंगे एंड मे बी बिकॉज ऑफ न्यू स्क्रीन डैशबोर्ड का लेआउट भी अभी वाली Venue के कंपेयर में डिफरेंट मिल सकता है। सेवेंथ, वेंटिलेटेड सीट्स एंड एयर प्योरीफायर। न्यू Venue में वेंटिलेटेड सीट्स एंड एयर प्योरीफायर एड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बट हाँ ये एक पॉइंट का हम 100% कंफर्मेशन नहीं दे रहे, बट जैसे अब नेक्सॉन में भी वेंटिलेटेड सीट्स एंड एयर प्योरीफायर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, वैसे ही कंपटीशन में रहने के लिए न्यू Venue में भी वेंटिलेटेड सीट्स एंड एयर प्योरीफायर ऑफर की जा सकती है। तो ये थी ऐसी सात चीजें जो अपकमिंग न्यू Hyundai Venue फेसलिफ्ट में कन्फर्म है। तो आपको क्या लगता है, न्यू Venue फेसलिफ्ट सक्सेस जाएगी एंड क्या न्यू Venue के आने के बाद नेक्सॉन के सेल्स पे फर्क पड़ेगा? आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।